अब आप सोच रहे हो कि वीडियो तो स्टार्ट हो गई, बट मैं कहाँ गया? मैं गया था जियो का लैपटॉप लेने। ये एसुस का लैपटॉप है, बट इसको हम जियो का बना लेते हैं। बट मजा की बात साइड में, जियो का लैपटॉप फाइनली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है। इसका नाम जियो बुक रखा गया है। क्या इसकी प्राइस रखी गई है और कौन कौन लोग इसको खरीद सकते हैं, किस प्राइस के साथ में खरीद सकते हैं, कैसे ऑफर्स देखने को मिलेंगे, क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगा, जियो बुक लैपटॉप से रिलेटेड पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दे दूंगा। वीडियो पूरा देखना, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो आपको इस तरीके का एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस जरूर कर लेना। जियो बुक खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं मिलेगी, और ये एक 4G लैपटॉप है। ये एक छोटू सा लैपटॉप है, आपको अभी ब्लू कलर में देखने को मिलेगा। पीछे आपको जियो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एक इसमें हमें HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, एक USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलता है, एक USB 3.0 पोर्ट देखने को मिलता है। इसमें हमें डुअल स्पीकर्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे, माइक्रोफोन मिल जाता है। काफी सारे लोगों का कहना था कि इस लैपटॉप की प्राइस 15,000 रुपए से नीचे रखी जाएगी, तो इसकी कंफर्म प्राइस आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। डिस्प्ले की अगर बात की जाए, इसमें हमें 11.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें हमें 1366x768 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले से लैपटॉप में आपको मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको छोटा सा वेबकैम देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप इसमें आपको 6 से 8 घंटे के बीच देखने को मिलेगा। बात की जाए परफॉर्मेंस की, जो कि लैपटॉप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर यूज किया गया है ऑक्टा कोर का। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का इसमें प्रोसेसर यूज किया गया है, जिसमें हमें एड्रेनो 610 का GPU देखने को मिलता है। LPDDR4 की इसमें आपको रैम देखने को मिलेगी। eMMC की इसमें आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी। केवल इसमें आपको 2GB की रैम और 32GB की स्टोरेज के ऑप्शन देखने को मिलेगा। 32GB की स्टोरेज एक लैपटॉप के हिसाब से इसमें आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। इसके लिए इसमें अलग से आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने लैपटॉप की स्टोरेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम और जियो की पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको जियो बुक लैपटॉप के सारे स्पेसिफिकेशन फीचर वगैरह बता दी। अब फाइनली प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अगर नहीं किया तो। जियो बुक लैपटॉप की इंडियन मार्केट में प्राइस रखी गई 19,500 रुपए, और यह अभी केवल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस में अवेलेबल है। मतलब कि अभी केवल इसको गवर्नमेंट ऑफिसर परचेस कर सकते हैं। आम लोगों के लिए अभी यह अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों के लिए भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि अभी इसके ज्यादा स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है। अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस में भी इस लैपटॉप के केवल 10 पीस अवेलेबल है, जिनको जो भी परचेस कर लेंगे उनको हाथ में आ जाएगा। और हो सकता है ये लैपटॉप दिवाली के लगभग में सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए। आपको क्या लगता है ये लैपटॉप सब लोगों के लिए कब तक अवेलेबल होगा? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैंने आपको बताई दिया, आपको इस तरीके का एक लाल बटन दिखाई दे रहा हो, उसको प्रेस करके जरूर जाना। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।